रेवाड़ी ब्रेकिंग। 40 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने जताई हत्या व रेप की आशंका। कुछ दिन पूर्व ही पति की भी हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बावल खंड के गांव का मामला। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को लिया कब्जे में। नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में करवाया जा रहा है पोस्टमार्टम। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कैसे क्या हुआ था? सर हुआ ये था कि रात को बुआजी का जो लड़का था वो कंपनी से 10:53 पर आया था। उसने घर पे जा कर के देखा, घर पे बुआजी की डेड बॉडी पड़ी थी। उसने कुंडी देख कुंडी उसमें किवाड़ में हाथ दे गेट में हाथ देख के कुंडी खोल रहे थे, तब उसने देखा 3 बंदे अंदर मौजूद बैठे हैं वो जिन्होंने बुआजी का मर्डर किया है। वो एकदम से निकल के भागे उसके पीछे, वो बुआजी का लड़का भाग गया। भगने के बाद में उसने फ़ोन किया सब जगह 10:54-55 के करीब सबके पास फ़ोन कर दिया उसने, फिर वो उनके पीछे भगे मगर मिले नहीं, मौके से फरार हो गए सर। जब आपने डेड बॉडी देखी तो किस अवस्था में थी? नंगन अवस्था में सर, पूरे शरीर पे कपड़ा, शरीर पे एक कपड़ा नहीं था, उसके ऊपर पानी डाल रखा था डेड बॉडी के ऊपर। चोट के निशान? चोट के निशान सर सर पे गहरी चोट है, तेज धारदार हथियार से यहाँ पे चक्कू से मार रखी है। ब्लड पड़ा था काफ़ी, बहुत ज़्यादा ब्लड था, सीढ़ियों के ऊपर भी पड़ा था, सीढ़ियों से नीचे वो पड़ी। क्या लग रहा है आपको? सर मर्डर है तो सीधी सी बात है, कोई गलत काम हुआ सर। सलवार पैरों तक थी सर, सूट ऊपर तक था, यहाँ तक हमने ही जाकर सही करा, जैसे गुदड़ी वगैरह चद्दर वगैरह डाल ली है, जाकर के जब कंट्रोल किया सर हमने, मौके पर ही 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया था। मौके पुलिस वाले आए, उन्होंने सहानुभूति दी है कि अभी जो भी होगा जाएगी। मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने? हाँ जी सर। कौन कौन है जिससे मामला अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ किया गया सर? परिवार में परिवार में सर बस यही थे कि एक तो बुआजी का लड़का था, तीन लड़कियाँ थी, वो अपने ससुराल में रहती है, उनका कोई रोल नहीं, तीनों की शादी होगी, दूसरी बुआजी की दूसरी शादी थी, पहले वाला जो लड़का है लड़की उनकी शादी वो अलग रहते हैं, घर से थोड़े दो एक किले की दूरी पर। अभी आप बता रहे थे कि इनके पति के साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ जी सर, सेम कंडीशन, 2 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले पुपा जी बाहर सो रहे थे खाट पे, उनके साथ ऐसे ही आप बीती हुई थी। हम जानने को उसने आत्महत्या की है, मगर आत्महत्या नहीं थी सर, जिस हिसाब से मर्डर हुआ है उसका भी मर्डर ही किया गया था। रात को मर्डर करके उनको गमछे से ताक नीचे हाइट पेड़ पे टाक दिया गया था। क्या कोई रंजिश थी पुरानी किसी की? सर रंजिश नहीं सर, कोई जमीन जायदाद का कोई था, कोई किला बेचा था पुपा जी ने 26-26 लाख के करीबन, उसमें कुछ पेमेंट आ गई थी और कुछ पेमेंट के लिए जिससे बात करते थे वो बंदा ही बोला रजिस्ट्री करवा देते, कुछ पेमेंट दे के रजिस्ट्री उठवा ली उस बंदे ने। अब पुपा जी फ़ोन करते थे कभी उसने पैसे देने के लिए, बोल तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसे की, मतलब बदतमीजी से बातें करता था, ठीक है, उसने पैसे अभी तक नहीं दिए, कोई मतलब भी नहीं देने का। अभी किस मतलब जो ये मर्डर हुआ है इसमें जो 3 बंदे थे क्या लग रहा है आपको, कौन थे सर? डाउट है? कुछ डाउट नहीं है सर, पहचान में नहीं आए वो बंदे किसी तरह से, नंगे पैरों भागे गए थे खेतों में, हम जा करके सुबह पैरों के निशान भी देख पाए, सब तरह देख पाए, और CCTV कैमरा चेक नहीं किया अभी तक, कैमरा चेक करवाएंगे आसपास के तब पता चल जाएगा। ये शाम को हमें इंटीमेशन मिली थी लगभग 12 बजे, तो एक जोगिंदर नाम का लड़का है जिसका पिता रामनिवास जी हैं, तो उनका पता लग गया कि भी मेरी माँ को कोई मार के चला गया है। मैं कंपनी से आया था तो उसमें टाइमली पुलिस पहुँच गई है और उसमें तफ्तीश कर रहे हैं, जैसी भी सूट सामने आएगी उसके अनुसार